गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास है फोर्थ, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन चल रहा था अपना सेकेंड। हमने कल इसकी एक्टिविटी सारी फिलअप कर ली थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। लेसन सेकेंड जो है उसका नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलता या पौधों के लिए अनुकूलता। एफ नंबर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट दिया है व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है वास या निवास, ठीक। आंसर आता है द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, या फिर लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तुएं होती है प्राकृतिक रूप से उग जाती है, उसे उनका स्थान, उनका वास कहा जाता है, तो वो हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। एक बार देखना, द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जीवित वस्तुएं उग जाती है या बढ़ती है, उन्हें उनका वास कहा जाता है या हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट। तो अपने को जो है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट में अंतर बताने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आंसर है फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसे पौधे जो कि जमीन पर उगते हैं, जमीन पर बढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। सेकेंड आता है एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट मतलब जलीय पौधे, ठीक। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, जो पौधे या ऐसे पौधे जो कि पानी में बढ़ते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट या जलीय पौधे कहा जाता है, ठीक। थर्ड अपने को नहीं करना है, फोर्थ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं डायरेक्ट फिफ्थ पर, व्हाट आर सबमर्जेड प्लांट नेम सम, ठीक है। सबमर्जेड प्लांट क्या है, या सबमर्जेड प्लांट का मतलब होता है जलमग्न पौधे, ठीक है। तो आंसर है इसका, द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर आर कॉल्ड सबमर्जेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर उगते हैं, पानी के अंदर बढ़ते हैं, उन्हें सबमर्जेड प्लांट या पौधे कहा जाता है। एग्जाम्पल टेप ग्रास, हाइड्रिला, ईटीसी, ठीक है। ऐसे पौधे जो पानी के अंदर ही उगते हैं, पानी के, देखिए एक्वाटिक प्लांट वो होते हैं जो पानी के ऊपर उगते हैं, ठीक है, परंतु सबमर्जेड प्लांट वो होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, तो उन्हें सबमर्जेड प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पर आते हैं, वेयर डू ग्रास फैमिली प्लांट्स ग्रो, ठीक है। जो ग्रास की जो फैमिली पौधे होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, ग्रास फैमिली कौन कौन सी होती है, देखो राइस है, मेज है, ठीक, वीट है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, इन सब के पौधे एक जैसे होते हैं, तो इन्हें ग्रास फैमिली कहा जाता है, ग्रास फैमिली प्लांट्स। तो ये पूछा है जो ग्रास फैमिली प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, आंसर है द ग्रास फैमिली प्लांट्स ग्रो इन प्लेंटी प्लेसेस दैट आर नॉट टू ड्राई और टू वेट, ठीक है। जो ग्रास फैमिली प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं, पर लेकिन वहाँ पर ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लो, द ग्रास फैमिली प्लांट्स ग्रो इन प्लेंटी प्लेसेस दैट आर नॉट टू ड्राई और टू वेट, वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सूखा, ठीक। इसी के साथ अपना जो है लेसन नंबर सेकेंड, क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है। जैसा मैंने लिखा है एज इट इज वैसा ही लिखना, एक बार और देख लो सारे क्वेश्चन। ये सेकेंड, ये थर्ड, मतलब कि फिफ्थ, फिर आते हैं सेवन्थ पर, ठीक है। ये फोर क्वेश्चन करने हैं, इसके साथ अपना जो है लेसन नंबर ये सेकेंड जो है कंप्लीट होता है सब्जेक्ट साइंस में। कल से लेसन नंबर थर्ड करेंगे, जैसा मैंने लिखा है वैसे के वैसे ही अपनी फेयर कॉपी में लिखना है आपको। थैंक यू।